हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा फैशन हाउस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बहुत ज़्यादा ही मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से मीशो से बहुत ही प्यारे प्यारे पार्टी वेयर डेली वेयर सूट सेट लेके आई हूँ, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, पूरे ही अंडर 700 में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो फर्स्ट कुर्ता सेट है जो मैंने कुछ इस टाइप का पिक किया है, नेवी ब्लू कलर का। इसमें कोई भी दुपट्टा नहीं आ रहा, ओनली कुर्ता विथ बॉटम वेयर आ रहा है। तो फर्स्ट हम इसके कुर्ते की बात करेंगे। तो ये फुल, फर्स्ट आप खुद देखिए, फुल पार्टी वेयर कुर्ता सेट है। तो इसमें बहुत ही प्यारा नेवी ब्लू कलर का कुर्ता रिसीव हुआ है। ये इसमें मैंने साइज जो है एल साइज का पिक किया है। इसके फैब्रिक की बात करें तो ये फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल का है, जो समर के लिए बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल होता है। साथ में इसमें राउंड नेक विथ हल्का सा वी कट आ रहा है, और पूरे ही योग पोर्शन पे जो दिख रहा है आपको, पूरा ही थ्रेड वर्क है, जिससे ना इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा ही फिनिशिंग वाली है, फुल ऑन पार्टी वेयर लुक दे रही है ये। इसकी आस्तीनों की बात करें तो 3/4 स्लीव्स है, बट हल्की सी बेल स्लीव टाइप से उन्होंने दी है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। बाकी स्लीव्स जो है 3/4 स्लीव्स है। पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, और जो हल्का सा ना ए लाइन टाइप से उन्होंने कर दिया, तो वेस्ट पोर्शन से ना इस टाइप की स्टिचिंग करके दिए, जिससे हल्का सा फ्लेयर आ रहा है। साथ में दोनों साइड पे हमको स्लिट प्रोवाइड है, बट स्लिट पे ना बहुत ही अच्छी उन्होंने रबर प्रिंट करके दिए, जिससे ना स्लिट बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है। जो आपको व्हाइट कलर की ये इस टाइप की लीव्स की डिटेलिंग मिल रही है, पूरा ही रबर प्रिंट से उन्होंने रबर प्रिंट करके दिए, बट स्पार्कल वाला है, जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में नीचे से वही हमको सेम रबर प्रिंट के इस टाइप की बॉर्डर बना के दिए, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। बैक साइड से बात करें इस कुर्ते की, तो सेम हमको वही फ्लावर वाली रबर प्रिंट के साथ मिल रहा है, बाकी पूरा प्लेन सिंपल है। अब हम इसके बॉटम वेयर को देखेंगे, तो बॉटम वेयर कुछ इस टाइप का है। तो ये मुझे ना पैंट पैटर्न में आ रहा है इस टाइप से। बॉटम वेयर की लेंथ परफेक्ट थी, मेरी हाइट 5'4" है, तो मुझे पूरा ही एंकल लेंथ से नीचे तक का आ रहा था। दोनों साइड से हमको बॉटम वेयर में इलास्टिक मिल रहा है, इस टाइप से इलास्टिटेन मिल रहा है। बॉटम वेयर के फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन कॉटन ब्लैंड मटेरियल है, साथ में पूरा ही हमको ब्लू कलर की लाइनिंग के साथ डिटेलिंग करके दी है। और नीचे से देखा जाए तो वही सेम उन्होंने हमको जो कुर्ते में बॉर्डर बना के दी थी, वही ब्लू कलर की बॉर्डर बना के दी है। ओवरऑल कुर्ता सेट बहुत ही अच्छा है, मस्ट बाइंग पीस है। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, और इसका भी ट्राई ऑन हॉल देखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ते की साइड। एक मैंने कुर्ता पिक करा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था पर्सनली, तो मैंने कुछ इस टाइप का पिक करा है। एक्चुअली मेरा कैटलॉग में ये मुझे हल्का पीच टाइप का कलर था, बट मुझे महरून कलर का रिसीव हुआ है। ये एज अ ड्रेस भी आप वेयर कर सकते हैं, एज अ कुर्ता भी वेयर कर सकते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें मुझे एल साइज मिला है, साथ में फ्रंट साइड से वी नेक आ रहा है। इसके फैब्रिक की बात करें तो ये फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल का मिल रहा है हमको। इसमें हमको हाफ स्लीव्स मिल रही है, जो समर में बहुत ज़्यादा ही कम्फर्टेबल होता है। पूरा ही कुर्ता ना हमको ए लाइन टाइप से कुर्ता मिल रहा है, घेर वाला, क्योंकि वेस्ट से ना स्टिचिंग करके दिए, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसकी लेंथ की बात करें तो ये मेरे ना काल्फ लेंथ तक का आ रहा था, ना नीचे था ना ऊपर था, मेरी हाइट 5'4" है। साथ में वेस्ट से उन्होंने हल्की हल्की प्लेट्स बना के दिए, जिससे ना कुर्ते में इतना घेर आ रहा है। आप खुद देखिए, नीचे से इतना घेर आ रहा है, ए लाइन से ज़्यादा ही घेर है, फ्रॉक टाइप से है। और बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से भी सेम हमको ये ब्लैक कलर के जो फ्लावर बना के दिए, ये प्रिंटेड फ्लावर है, पूरा उसी डिटेलिंग के साथ आ रहे हैं। तो ओवरऑल कुर्ता बहुत ही अच्छा है। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ता सेट के साइड। उसके साइड बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस दी लाइक बटन, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस टाइप के हॉल वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ता सेट के साइड। ये मैंने कुछ इसमें कंप्लीट सूट सेट है, तो इसमें दुपट्टा, बॉटम वेयर और कुर्ता रिसीव हो रहा है। तो इसकी फर्स्ट हम कुर्ते की बात करेंगे। ये मुझे जैसा कैटलॉग में दिखा था वैसा ही रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट हम इसके कुर्ते की बात करेंगे। तो कुर्ता ना फुल ऑन रेयॉन फैब्रिक का आ रहा है। इसकी में मैंने एल साइज को पिक करा, और ये की बात करें तो पूरा ही ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पिक हुआ है। साथ में इसमें हमको 3/4 स्लीव्स मिल रही है, साथ में इसका वी नेक है, और पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है। बट कुर्ता ना मेरी काल्फ लेंथ से हल्का सा नीचे था, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप से कुर्ता है, और इसका फैब्रिक ना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है। साथ में जो आपको फ्लावर्स दिख रहे ग्रे
और डार्क ब्लैक कलर के ये पूरा ही प्रिंटेड दे रखा है। साथ में दोनों साइड से हमको साइड स्लेट प्रोवाइड है इस टाइप से, एंड बैक साइड से पूरा ही सेम प्रिंट के साथ हमको रिसीव हुआ है। अब इसके बॉटम वेयर की बात करें हम, तो बॉटम वेयर भी हमको सेम ना रेयन फैब्रिक का मिल रहा है, और बॉटम वेयर के पैटर्न की बात करें तो ये हमको पैंट पैटर्न में मिल रहा है। तो बॉटम वेयर फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों साइड से इलास्टेटेड मिल रहा है। साथ में इसका रेयन फैब्रिक बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बट ये ट्रांजी नहीं था, हल्का सा ऑफ वाइट कलर है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ट्रांजी होता ही है, तो ये इतना ट्रांजी दिख रहा था बॉटम वेयर। साथ में हल्की हल्की उन्होंने ना छोटी छोटी लीव्स की डिटेलिंग वाली करके दी है पूरे बॉटम वेयर पे, और जो कुर्ते में हमको डिटेलिंग करके दिए सेम डिटेलिंग इसमें बॉटम वेयर में नीचे करके देखिए। अब हम इसके दुपट्टे के साइड बढ़ते हैं, तो दुपट्टा बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है। फर्स्ट आप देखिए क्या होता है समर में ना, कॉटन के सूट सेट दुपट्टा भी कॉटन का मिल जाए तो क्या बात है। ये कुछ इस टाइप का है, आप खुद देखिए फुल लेंथ का दुपट्टा मिल रहा है, व्हाइट कलर का दुपट्टा है जिसपे उन्होंने बहुत ही अच्छी ब्लू कलर के फ्लावर लीव्स की डिटेलिंग करके दिए, ट्री बना के दिए। ओवरऑल दुपट्टे की लेंथ और विड्थ बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल सूट सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा दुपट्टा भी इसमें रिसीव हुआ है। इसका भी ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ता सेट के साइड, एक पार्टी वेयर सूट सेट मैंने पिक करा है। उसके साइड बढ़ने से पहले आज जो मैंने बहुत ही प्रिटी सा कुर्ता वेयर कर रखा है, इसका हॉल भी जा चुका है, ये अंडर 500 में कुर्ता सेट हॉल था। तो इसका ना एक आइकन बटन आ रहा होगा, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां से भी आप आराम से इस वीडियो को वॉच करके परचेसिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की साइड, ये भी ना कंप्लीट सूट सेट है, इसमें बॉटम वेयर कुर्ता और दुपट्टा आ रहा है। तो फर्स्ट हम इसका कुर्ता देखेंगे। फर्स्ट ना इसमें कलर ना दो कलर ऑप्शन थे, बट मैंने ये कुछ डार्क पिंक कलर को पिक करा क्योंकि इस टाइप के ना फेस्टिवल्स में शादी वादी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फर्स्ट आप खुद देखिए बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। तो इसकी बात करें तो इसमें ना मैंने एल साइज को पिक करा है, इसमें राउंड नेक आ रहा है, इसमें 3-4 स्लीव्स आ रही है, बट स्लीव्स में बहुत ही अच्छी फॉयल मिरर टक करके दिया है उन्होंने। फ्रंट साइड पे पूरा योग पोर्शन इसका हाईलाइट पोर्शन है, बहुत ही अच्छा पिंक और गोल्डन कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करके दिए। साथ में इसके फैब्रिक की बात करें तो ये रेयन फैब्रिक का है पूरा ही कुर्ता, स्ट्रेट कुर्ता है, मेरी नी लेंथ से हल्का सा नीचे था, और दोनों स्लिट पे सेम हमको वही फॉयल मिरर की बॉर्डर करके दी है गोल्डन थ्रेड से, जो बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है। बैक साइड से बात करें कुर्ता की तो पूरा ही प्लेन कुर्ता मिल रहा है, इसका कलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। अब हम इसके बॉटम वेयर को देखेंगे, तो बॉटम वेयर भी हमको कुछ इस टाइप का मिल रहा है, सेम डार्क पिंक कलर का। तो ये कुछ ना इस टाइप का है, पैंट पैटर्न में है, नीचे से पैंट पैटर्न में है। तो इसकी बात करें तो दोनों साइड से बॉटम वेयर ना हमको इलास्टेटेड मिल रहा है, इसका भी सेम रेयन फैब्रिक है, बट बॉटम वेयर की लेंथ बहुत ही अच्छी थी। आप किसी भी हाइट के होंगे, मतलब 5'4" से ज़्यादा हाइट के भी है, तब भी ये फुल लेंथ का बॉटम वेयर रिसीव हुआ है। नीचे से बस उन्होंने हमको फॉयल मिरर वाली टक करके लेस दी है, जिससे हाईलाइट हो रहा था बॉटम वेयर, थाइज एरिया से बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल था। अब इसके दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा ना बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है, आप खुद देख, दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि इतना अभी मैंने इतने सारे सूट सेट शेयर करें आपसे, बट पार्टी वेयर सूट सेट में इतना बड़ा दुपट्टा मुझे कभी भी रिसीव नहीं हुआ है। इसकी विड्थ देखिए, लेंथ देखिए, दोनों ही बहुत अच्छी है। पूरे दुपट्टे पे ना गोल्डन कलर का फॉयल जो प्रिंट होता है उससे उन्हें स्पार्कल वाला करके दिया, जिससे दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टे के दोनों बॉर्डर पे इस टाइप की गोल्डन कलर की गोटा पट्टी की लेस लगा के दिए, बाकी दुपट्टा फुल लेंथ का दुपट्टा है, आप लहंगे वहंगे के साथ भी मैच करके डाल सकते। तो ओवरऑल सूट सेट बहुत ही अच्छा है, गो फॉर इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन कुर्ता सेट के साइड, एक कुछ इस टाइप का पिक करा है। तो इसमें बॉटम वेयर विथ कुर्ता आ रहा है, कोई भी दुपट्टा नहीं आ रहा है, और फ्लोरल प्रिंट अभी बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है। तो फर्स्ट हम इसके कुर्ते की बात करेंगे, तो कुर्ता फर्स्ट आप देखिए बहुत ही प्यारा है, मतलब समर के हिसाब से मस्ट बाइंग पीस है। तो इसकी बात करें तो ये फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल पे आ रहा है, इसमें मैंने साइज एल मंगाया था बट उन्होंने मुझे डबल एक्सल साइज पिक हुआ है। इसमें एक्सचेंज का ऑप्शन भी है, तो मैं फटाफट से इसको एक्सचेंज कर दूंगी। तो चलिए इसकी बात करें तो इसको एक्सचेंज तो कराना पड़ेगा क्योंकि डबल एक्सल साइज है, जो मुझे बहुत ज्यादा ही लूज होगा, मुझे मोस्टली एल साइज पिक करती हूँ। तो इसकी बात करें तो राउंड नेक आ रहा है, 3-4 स्लीव्स आ रही है, स्लीव्स में बहुत ही अच्छी हमें 4 गोटा पट्टी की
लेस लगा के दिए, साथ में बीच में ना बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी करके दिए जिसमें फॉइल मिरर को टक करके दिया जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। इसमें ना योग पोर्शन से बात करें इसकी, तो योग पोर्शन भी सिंपल उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड दिया, ज्यादा तामझाम करके नहीं दिया है। बाकी पूरा ही कुर्ता ना हमको बहुत ही प्यारा ना ए लाइन, मतलब पूरा ही अनारकली पैटर्न टाइप से मिल रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइप के कुर्ते ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो हैवी सा लुक देते हैं। तो ये कुर्ते की बात करें तो वेस्ट पोर्शन से बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करके दिए, हल्की हल्की प्लेट्स बना के दिए जिससे घेर देखिए आप नीचे से, नीचे से घेर बहुत ही प्यारा है। नीचे भी उन्होंने सिल्वर कलर की गोटा पट्टी से डिटेलिंग करके दिए। और ये लेंथ की बात करें तो ये मेरी काल्फ लेंथ से भी नीचे तक का था, मेरी हाइट 5'4" है। आप ट्राई ऑन हॉल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साथ में दो टैसल्स दिए हैं, टैसल्स में बहुत ही अच्छे सेम कपड़े के टैसल्स बना के दिए, और ये दोनों साइड दिए। आप चाहे तो बैक साइड पे इसको टाई अप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही वेयर कर सकते हैं। बैक साइड से बात करें तो सेम इस टाइप का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बैक साइड से भी बहुत ही अच्छे सिल्वर कलर की गोटा पट्टी की डिटेलिंग करके दी है। साथ में इस फैब्रिक की बात करें इस कुर्ते की कि ट्रांजी है कि नहीं, तो ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। अब हम इसके बॉटम वेयर की बात करते हैं, तो बॉटम वेयर ना बहुत ही प्यारा है। ये भी सेम ऑफ वाइट कलर में हमको मिल रहा है, जिसकी प्रिंट देखिए आप कितनी प्यारी प्रिंट लग रही है। थोड़ा हट के उन्होंने हमको फ्लावर की प्रिंट करके दी है। तो इसके पैटर्न की बात करें तो बॉटम वेयर का पैटर्न जो है वो पैंट पैटर्न में आ रहा है। साथ में इसमें दोनों साइड से इलास्टेटेड आ रहा है, इस टाइप से इलास्टिक आ रही है। थाइज एरिया से बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, क्योंकि डबल एक्सेल साइज है तो ऑफकोर्स कंफर्टेबल तो होगा ही। तो बहुत अच्छा निकला है इसका बॉटम वेयर भी। ये भी मेरी एंकल लेंथ से नीचे तक का था, मेरी हाइट 5'4" है, मतलब परफेक्ट लेंथ का बॉटम वेयर था। बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट है, बट मुझे इसको एक्सचेंज करके ये सेम मंगाना पड़ेगा। बाकी आप इसका स्क्रीन पर प्राइस शो हो रहा होगा तो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अंडर बजट है। आज का हमारा हॉल ही पूरा 700 में है। आई होप आपको आज का हॉल बहुत ज़्यादा पसंद आया। और प्लीज़ इंस्टाग्राम की एक आईडी शो हो रही हो, इस पर मुझे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे, तो गो फॉर इट। आई होप आपको आज का हॉल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा ही स्वस्थ और मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।